आज इनका ग्रेजुएशन डे है, आज इनको इनके सर्टिफिकेट मिलते हैं और एक एक लड़की का मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि इनके अंदर जब कॉन्फिडेंस आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आज के ज़माने में मैं तो ये चाहता था कि लड़कियाँ कभी मार्शल आर्ट की देनी इनको कभी जरूरत ना पड़े, बिकॉज इट शुड बी अ कंट्री वेयर गर्ल्स कैन वॉक अराउंड फ्री, बट देयर आर सम फ्यू एलिमेंट्स सम पीपल जिनकी वजह से आज इनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है एंड इट्स एक्चुअली अ लिटिल बिट ऑफ शेम बट इट्स एन एसेंशियल थिंग। So I honestly am so glad, first of all, that you're doing this and that also the media is helping us create awareness for this, because it is something that is definitely growing a lot of attention, and I think you guys can all agree that you're so happy that there's a place that you can come to. I myself know nothing about self-defense. Which is why this is really inspiring me that you guys have come here and you've taken the initiative to protect yourselves and become stronger. I think, like you had said, it's about confidence. I think because we aren't aware of our physical ability, we're not very confident about how to approach situations, and that can of course only come through strength and learning the art and the techniques of self-defense. So I'm really great. I'm so glad that you guys have inspired more girls to come here and learn. And I myself will be one of them. Well, बहुत मजा आया आज देख के कि they told us their stories कि कैसे जब एक सिचुएशन में होते हैं जहाँ इनको डर लगता है वहाँ पे अब इनको इस वर्कशॉप के बाद कॉन्फिडेंस मिलता है। मैंने सबके पास देखा एक चाबी है और एक विसल है, तो जब हाथ मिलाओ तो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल चीज़ है कि आप एक कैसे चाबी को वेपन यूज़ कर सकते हैं और सीटी अगर आप चिल्ला नहीं सकते। सो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल एंड स्मॉल ट्रिक्स दैट यू कैन यूज़ दैट दे फील सेफ इन मुंबई, एंड आई थिंक इट्स कमेंडेबल दैट बोथ ऑफ देम आर इनिशिएटिंग दिस, एंड एज यू कैन सी हाउ एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट दे आर टुडे। सो होपफुली ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ ट्रेनिंग करेंगी और लड़के डरेंगे अब उल्टा हो जाएगा कुछ सालों में। तो या इट्स अ ग्रेट ग्रेट एंडेवर एंड हैट्स ऑफ टू देम।